हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं हूँ शुभम, आप देख रहे हैं केएस टीवी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, यूट्यूब एक्चुअल में जाना जाता है बड़े बड़े बॉम्ब फोड़ने के लिए। अभी ये सारी चीजें भूल जाओ आप, क्योंकि दिवाली तो जा चुकी है। इस बॉम्ब की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में यूट्यूब की तरफ से जो रूल्स आते रहते हैं उससे वो एक्चुअल में मार्केट में तेल का मारा जाता है। और आप जानते ही हो, यूट्यूब के जो गाइडलाइंस और जो रूल्स होते हैं वो अक्सर जाने जाते हैं लोगों को शॉक करने के लिए। क्योंकि पहले भी आपको पता होगा कि यूट्यूब पर अगर आपको अर्निंग करनी है तो आप फर्स्ट डे जिस दिन से वीडियो डाल रहे हो आप अर्निंग कर सकते थे, लेकिन उसके बाद आया रूल में चेंज कि आपके 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए एक साल में, वगैरह वगैरह। तो इस चेंज के बाद और भी कई सारे चेंज आते रहे, चाहे वो कॉपीराइट स्ट्राइक से रिलेटेड न्यूज़ हो या फिर और कोई रूल हो। यूट्यूब के कम्युनिटी रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। और एक रूल अब यूट्यूब ऐसा लेकर आ रहा है जिसके बाद अगर आपका चैनल इस रूल में जस्टिफाइड नहीं है तो शायद आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है यूट्यूब पर से। तो चलिए फिर आज की स्टूडियो में बात करेंगे यूट्यूब के इसी नए रूल के बारे में, और क्या आपका चैनल इस रूल में जस्टिफाइड है या शायद आपका भी चैनल डिलीट हो जाए यूट्यूब पर से। तो ज्यादा टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं YouTube के इसी नए रूल के बारे में। तो YouTube का एक नया रूल आया है, अभी लेटेस्ट रूल आया था, तो मेरी तरह आप में से कई सारे यूजर्स ने भी ऊपर ऊपर से पढ़ लिया होगा, लेकिन आप गौर से जाकर अगर फोकस करो, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी उसके बाद मुझे भी पता चला, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े नहीं थे नए अपडेट के बारे में। तो उसमें कुछ ऐसा निकल कर आया है कि यूट्यूब ने कहा है कि अगर आपका चैनल कमर्शियली वायबल नहीं है, जी हाँ कमर्शियली वायबल नहीं है, तो आपका YouTube अकाउंट डिलीट हो सकता है। अभी YouTube ने कहते वक्त तो ये एक वर्ड कह दिया है कि कमर्शियल वायबल, लेकिन इन दो वर्ड के बीच में इतने सारे रूल आ जाते हैं ना, इतने सारे कंडीशंस आ जाते हैं ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों कमर्शियली वायबल यानी क्या? तो फॉर एग्जाम्पल आप में से कई सारे यूजर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीमेल आईडी यूज करके यूट्यूब पर अकाउंट बना लिया है और उस अकाउंट पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, वो अकाउंट सिर्फ आप यूज कर रहे हो किसी और के वीडियोस देखने के लिए, यानी कि वो एक तरह से डमी यूट्यूब अकाउंट बन के रह चुका है जो यूज नहीं हो रहा है। और यूट्यूब पर 50 मिलियन से ज्यादा क्रिएटर हो चुके हैं, तो यूट्यूब का ये कहीं ना कहीं फर्ज जरूर बन रहा है कि ऐसे सब अनवॉन्टेड अकाउंट्स को फ्लश किया जाए। तो ये भी उस कैटेगरी में आ जाएगा कि ये अकाउंट कमर्शियली वायबल नहीं है। और कमर्शियल वायबल ये वर्ड कहने को तो सिर्फ इतना सा लगता है, लेकिन दोस्तों यूट्यूब के अनुसार कमर्शियल वायबल अकाउंट यानी क्या कि आपका अगर अकाउंट ज़्यादा व्यूज जनरेट नहीं कर रहा है, अगर आप कोई लाइव स्ट्रीम कर रहे हो या अपलोडेड वीडियो है और आपका कंटेंट ज़्यादा ऑडियंस नहीं ला पा रहा है, तो YouTube के हिसाब से आपका अकाउंट भी कमर्शियल वायबल में नहीं आता है। YouTube को इससे ज़्यादा कुछ आउटपुट मिल नहीं रहा है और ऐसे अकाउंट्स को भी शायद YouTube डिलीट करने वाला है। तो यही मैं कह रहा हूँ यार कि YouTube ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, 50 मिलियन से ज़्यादा क्रिएटर है और महीने में 300 मिलियन से ज़्यादा व्यूअर्स है यार YouTube के पास, तो एटलीस्ट इन्होंने क्लेरिफाई करना चाहिए था कि कमर्शियल वायबल यानी कि ये कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि अब बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो चुका है और बहुत सारे अकाउंट डिलीट होते हुए देखने मिल सकते हैं आपको। तो एक क्लैरिफिकेशन अगर मिल जाता है इसी पॉइंट पर तो यूज़र्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाता है। लेकिन मैंने जो रूल पढ़े और जो स्टैट एनालिसिस किए उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि शायद इन इन अकाउंट्स को डेंजर हो सकता है। तो अगर ऐसे कोई वीडियोस भी आपके चैनल पर भी है जो ज़्यादा लाइव स्ट्रीम से ऑडियंस नहीं ला पाते या ज़्यादा वीडियोस से ऑडियंस नहीं ला पाते, तो शायद आपका अकाउंट भी डिलीट हो सकता है यूट्यूब की तरफ से। और मैं तो यही बोलूँगा आपको कि कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करते रहिए, भले ही व्यूज़ कम हो लेकिन कंसिस्टेंट रहिए अपने कंटेंट के साथ ज़्यादातर, ताकि यूट्यूब को यही लगे कि ये परमानेंट यूज़र है और रेगुलर यूज़र है। और बस फिर आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बताइए यूट्यूब के नए रूल के बारे में, और हमारा
चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस आइकन पर क्लिक कीजिए। KSTV ऐसे वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे जरूर से, और मुलाकात होगी आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे साथ KSTV।